ने शेट्टी अपन ला पिक्चर देख के आ रहे, नहीं तो ये दो जोकरा भाग गए थे रे। साई बोला रे संजू तू, नहीं तो ये दो बदमाशा भाग गए थे, जर्रे में मिल गए बाप इन लोग अपने को। और मैडम अपन दोनों को जिंदा दफना देते थे। भाई भाई नको बोलो भाई, प्लीज भाई छोड़ दो ना भाई, भाई मैडम के नको बोलो भाई। और मैं दुआ करता हूँ तुम्हारे सर पे बाला जाओ बोल के। ए, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तुम दोनों को मैडम के हवाले करता हूँ। तुम्हारे पैरा पर तो मैडम खुश हो जाते। क्या मिलता भाई तुम्हारे को, हम लोगों को पकड़ा दिए तो तुम्हारी वो चिड़पादरी मैडम हमारे को मारती भाई। तुम्हारे को जो हो ना वो काम लियो भाई हमारे से। क्या करते तुम लोग मेरे लिए, तुम्हारे कपड़े धोते, तुम्हारे बर्तन धोते, यहाँ तक के तुम्हारी चड्डी बनियाना भी धोके दे देते। खाली चड्डी बनियाना नहीं, मेरी बॉडी मसाज भी करना पड़ता। मसाज क्या, आपको मसल देते पूरा। अब देख इसको उंगली करी, वो ठीक है। अच्छा कौन सी फिल्म देख के आ रहे आप? बाजीराव मस्तानी। मैं सुना रणवीर सिंह बहुत अच्छा काम कर रहा था। रणवीर सिंह बच्चा है जी उन्हें, ऐसा उन्हें क्या करता, क्या खाक करा एक्टिंग, बकवास एक्टिंग करा करते उन्हें। संजय इतने फोना करा, इतने फोना करा, चट्टी कर लो फिल्म, ये फिल्म तुम ही कर सकते, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, बहुत बोला। संजय को तो छोड़ो, दीपिका व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, फेसबुक पे फेसबुक, ट्विटर पे ट्विटर, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे दम कर दी भाई। दीपिका बोली बोल के मैं भी जरा डिस्टर्ब हो गया और जाके मैडम को बोला, मैडम ये पिक्चर कर लूं क्या बोल के। मैडम बोले नहीं रे शट्टी, तेरा लेवल बॉलीवुड का नहीं है, हॉलीवुड का है। वो सुन के नहीं करा मैं। सुने रे, अरे सो रहे क्या? नहीं सुन रहे, सुन रहे। आप तो क्या बोल रहे थे, आप दीपिका पादुकोणी क्या बोली? दीपिका पादुकोणी नहीं, दीपिका पादुकोणी नहीं बोल। देख रहा है इधर काम कर। ऐसे ऐसे खाबा भी नहीं देख रहा, बच गया। काका। शुरू हो गई सुबह सुबह, काका काका का फंस गए रे भाई। एक आइडिया मेरे को, ये लोगों को अपन जहर देके खाने में निकल जाएंगे क्या? अरे इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही, शायद सजाए काला पानी को जाना है क्या? क्या कर रहे रे बदमाशा? क्या कर रहे, बर्ताना धो रहे, दिख रहा नहीं? ठीक है मेरी शेविंग करना है, तुम दोनों में से कोई एक आके मेरी शेविंग करो। चलो पांच चलो, मैं आ रहा हूँ। शेविंग करना, उसके बाद आके मस्त सो जा सकते। मैं चले जाता हूँ। या बात, शेविंग करना बहुत बड़ा काम है, मैं जाके आता हूँ। आई ले, शेविंग करना बड़ा काम है, हौला दिख रहा हूँ मैं तेरे को। तू जा मैडम के पास, मैं शेविंग करता हूँ। जा तू जा रे, जा अभी आ रहा हूँ, पांच मिनट में हाथ धो के आप चलो। जल्दी आ, अब पांच मिनट में शेविंग करके उसके बाद मस्त सो जाता हूँ जाके। वो टू मिनट्स मैगी का एड देखे ना, वैसे दो मिनट में शेविंग। ऐसा अब देख तो ना, चल। हमारे शेट्टी साहब ये ब्लेड टूट गई, अब मैं जाऊं वहां तापदान में आधे डजन ब्लेड आए ले लेके आगे शुरू हो जा।
नई ब्लेड, नई ब्लेड, एक और ब्लेड, एक और। आपके वाला है या जंगली झाड़ा है, पूरा क्रीमिश खत्म हो गया। देखो इतना बड़ा, मेरे को यहाँ से यहाँ जाने आधा घंटा लग रहा। क्या बोला रे? कुछ नहीं कुछ नहीं, वॉइस बोल रहा हूँ। अच्छा कर शेविंग, ठीक है ठीक है, अगर जरा भी कटा ना तेरे कार्ड डालता हूँ। हो गई। हमारे शेट्टी साहब, ना ही आप हजाम खाने में बैठे हैं और ना मैं पैदाइशी हजाम हूँ। खुदा के वास्ते मेरे को जाने दो। ठीक है कल देख लेता हूँ, चल। कल तक मर जा रही है, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, दो तीन दिन से आंखों को नींद नहीं है। तुम्हारी और वो टॉय की दोनों की नलियां मत दे तो मैं हर बार जिद करते रहते, करता हूँ करता हूँ करता हूँ। मेरी मत देता तो मत दे, मगर वो टाई के बारे में कुछ न को बोल, समझा? वो टाई कहते उसकी अम्मा मरते वक्त उसको देके गई, जान से प्यारी है टाई उसके वास्ते, क्या फतला दी अपने ऊपर। खाए भी नहीं आप, कुछ तो पी लो ना। ठीक है। हेलो। हाँ सर 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 सर, 1 मिनट सर, अभी इधर सर, सीएम सर का फोन। बोलो सीएम साहब, कैसे याद करे? याद तो मैं तुझे हमेशा ही करता हूँ, बस एक छोटा सा काम पड़ गया तेरे से। आपके लिए नहीं तो किसके लिए करूँगा सीएम साहब? वो अपने एरिया का सरपंच है ना, बहुत नाटका कर रहा उन्हें, कितनी बार वार्निंग दिया उसको फिर भी नहीं सुन रहा उन्हें। आपका काम हो जाएगा साहब, जरा देख के, उन्हें सीनियर सरपंच है, कुछ प्रॉब्लम। सर ये शेर एक बार पंजा मारता है ना, उसको हजम करके ही छोड़ता है। अब बेफिक्र रहिए, आपको डैड की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। ठीक है साहब। एमएलए साहब, अभी अभी ठाकुर का मर्डर हो गया। सही बोला तू, अभी अभी रोड पे लाश देख के आ रहा हूं सर। मैं सोचा था इसको और एक दिन जीने देंगे बोल के, पर इसकी किस्मत में आज ही मरना लिखा है। अब तो ऊपर वाला खुद इसको बचा नहीं सकता। इसकी मौत एक ऐसी मौत करूंगा, कोई अपने बंदे के ऊपर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। भैया मैं थोड़ा शॉपिंग को जाके आती हूँ। आज नहीं कल जाओ। नहीं मेरे को आज ही जाना है भैया। हर बार छोटे बच्चों के जैसे जिद मत कर, अब तू छोटी बच्ची नहीं रही, तेरी उम्र हो गई शादी की। हर बार शादी शादी बोल के पीछे नको पड़ो मेरे। कई को नको पड़ू? कितने रिश्ते आए तेरे लिए, सब लोग तेरे को पसंद कर रहे और तू किसी को पसंद नहीं कर रही है। क्यों ना करूं? तुम लोग हमेशा मेरे लिए इतने दूर दूर के रिश्ते लाते, कभी दुबई के तो कभी अमेरिका के, मेरे को आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना। अगली बार जो भी रिश्ता आया फिक्स कर दूंगा, तेरी पसंद ना पसंद नहीं होना मेरे को। क्या जी तुम भी गाड़ी निकाल रहे। अरे सुन, तेरे भैया की बात का बुरा नक्को मान,
और बात भी सही है, तेरी उम्र भी हो गई है शादी की। पर मुझे तुम लोगों को छोड़ के जाना नहीं है। मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी जो मुझे छोड़ कर जाए। मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझे गुंडों से बचाए। और अब आप प्लीज जाओ यहाँ से, पूरे मूड का सत्यानाश कर दिए। सैयद जाओ उन दोनों बदमाशों को बुला कर लेकर आओ। अरे खान क्या खा रहा? आज एक नया काम कर दिया। सुबह सुबह मूड बना तो एमएलए की वाइफ को छेड़ दियो। तुम आई जब से देख रहा हूँ तुम्हारे को, तुम हर बार उसको ही टारगेट कर रहे। जरा देख के तो फुट जाती है दोनों की। चलो रे मैडम बुला रहे। आई ले वो चिपड़ी लगा दी क्या? अरे इसकी तो मैं संभाल लेता हूँ, तुम टेंशन ना करो। अंकल जरा हमारे याबा को लूज मोशन सो रहे, मैं आता हूँ। चलो चेहरा तो गोल गोल दिख रहा, काय के लूज मोशन, नाटक कर रहा, चल। मैडम सॉरी मैडम, कल के लिए ये रही आपकी कॉफी। क्या रे कॉफी बनाया डिकॉशन बनाया? सॉरी मैडम शक्कर कमूंगी, अब भी ले गया। हेलो खान। कौन? नहीं मुझे खान से ही बात करना है, बाद में कॉल कर लूँगी। खान नहीं है, बाहर गया है। तुम कौन? मैं आश्रम से बात कर रही हूँ। खान लोग घर में ना पैसे भिजा देते थे, लेकिन इसमें ना अभी तक नहीं भिजा। दो तीन दिन में राशन भी खत्म हो जाता, बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। प्लीज खान आते ही बता दो ना, आश्रम से फोन करी थी मैं। ठीक है मैं बता दूंगी। थैंक यू मैडम। मस्ती चढ़ी तू भाग, मेरे को मेरे टांगा तोड़ा लेना नहीं है। देख कितना अच्छा दिख रहा शॉपिंग मॉल, वो देख कपड़े। और तू गौर करा, जमाना जैसा जैसा आगे जा रहा कपड़े छोटे हो जा रहे हैं। तू गौर करा छोटे छोटे कपड़े कितने महंगे हैं यहाँ पे। मगर कुछ भी बोल बाप, कई दिन के बाद शॉपिंग को निकले कितना अच्छा दिख रहा। नहीं हा? इतना भी ज्यादा खुशनक्को हो तुम? क्या तुम जोरा भाई के पास लेके जा रही हो उन्हें? वो निकालो। क्या दिख रहा था रे उधर? वो साड़ी अच्छी थी तो देख रहा था मैडम। अच्छा ये कैसा है? कुछ खास नहीं दिख रहा मैडम। शेट्टी। यस मैम। तू बोल ये कैसा है? एकदम कड़क है मैडम, उसको टेस्ट नहीं है मैडम। चलो
क्या खूबसूरत दिख रही है, पर ये साड़ी तो वहां की थी ना। यहाँ क्या कर रहे हैं मैडम आप? मेरे को खाना बनाने सीखना है। मैं हूँ ना, मैं लाता हूँ, आप जाइए। मेरे को बनाने सीखना है। मैडम आपका भाई अगर आपको किचन रूम में देख लिया ना, वार्ड लगाया था मेरी। प्लीज। भाई देखता तो वो तो खुश होता कि उनकी बहन खाना पका रही है। हाँ एक काम कर, तू मेरे को सबसे इजीएस्ट आइटम सिखा जो एकदम फटाफट बन जाए, क्या बोलता है? ठीक है, मैं आपको पानी कैसा गर्म करते सिखाता हूँ। ए सीरियसली बोल रही मैं। हाँ ऑमलेट कैसा बनाते सिखा दो मैं आपको। हाँ चल। फुलगों की मसाज होती रे। क्या करूं भाई इसका, हाथ खरीब है, गला दबा दे। इसकी माँ का जंगली मारूं। थोड़ा और ऊपर आना रे घुटने तक। कितना सुकून दिख रहा रे तुम लोग दबा रहे तो। ये बेडशीट ऐसा कमरे में सुखने डाले तो सुखती, बाहर डालना नहीं। हाँ कौन सी? वो बेडशीट नहीं रे, मेरी तुआल है। और तू ये अगो काम न को कर, जो काम बोला पहले वो काम कर, चल दबा। अब तो यकीन हो गया तू सही भी खुल गया है बोल के। और ऊपर थोड़ा और ऊपर। क्या हुआ रे, कितना दबाएंगे, हाथ आंदुक रहे। ठीक है जाते जाते हो तुआल मेरे पैरों पे डाल के जाओ। ये याबा के हाथों में कोई ना कोई तो जादू है। अरे मियाँ नहीं होता ये लोगों का टॉर्चर मेरे से बर्दाश्त। टू मच इज टू बैड, बहुत हो गया है लोगों का, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अगर यही हाल रहा तो चोरी चकारी छोड़ के मैं बर्ताना मांझता हूँ और तू पोछे लगा सबके घरों में। मैं बोलो और एक भागने की प्लानिंग कर बस, और कुछ नहीं। देखे ना वो आइसक्रीम वाले का क्या हाल हुआ, एक हाथ एक पैर निकाल दिया उसका। ना उन्हें पोछा मारने के काबिल है और ना बर्तना धोने के काबिल है। अगर अपन भी ऐसी चूज करे ना, अपना भी वही हाल करते लोग, अपन ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगना पड़ता दोनों मिल के फिर। अरे ये रोज रोज के मरने से तो एक दिन ऐसी मर जाना अच्छा है, ऐसी की तैसी। बहुत हो गया, अब 1-2 कर भाई और एक भागने की कोशिश कर चल। अरे हल्लू बोलो जी, सुन लेंगे उन्हें। अरे सुनने दे, कौन डरते हो श्रीलंका चोपड़ा से, क्या बात कर रहा, अपनी फिर गई तो अपन किसकी भी नहीं सुनते। पानी बहुत ठंडा है, कैसा तिर रहा तू? अरे इन्हें कहीं कोई सावधाना पड़ा, जंगली है साला बैल। मैं नए कपड़े पहन रहा हूँ, तू तेरे पहन ले। ओके Ha 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 ha!
उन्हें खाली उड़ते रहता होला, उसको काम धंधा कुछ भी नहीं है। अरे देख सुपरमैन आया, सुपरमैन आया, सुपरमैन आया, सुपरमैन आया, ओला ही नहीं ओला, सुपरमैन आया, 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 सुपरमैन ये पाकिट वाले बैठे हुए बाहर, सुपरमैन उड़ो ना। ए बोला ना तुम दोनों को नहीं उड़ता हूँ बल्कि ऐसा लो करिश्मा पकड़ो। अरे उड़ रहे सुपरमैन, उड़ खाते लेना, उड़ रहे, उड़ सुपरमैन, अरे छोड़ दे, उड़ रहे सुपरमैन, उड़ छोड़, अरे 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 नहीं बेटा, ऐसा सुपरमैन की अम्मा बहन नहीं करते बेटा, प्लीज बेटा, प्लीज 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 समझो बेटा। अरे अम्मा बहन को छोड़ पहले, रोके लो। ऐसा नहीं मारना बेटा, ऐसा मारे तो फिर सुपरमैन घर को नहीं आता, टीवी पे भी नहीं आता। अब उसका टाइम हो गया बेटा, सुपरमैन सो जाता, तुम लोग अभी जाके सो जाओ, फिर कल सुबह में आता सुपरमैन। प्लीज प्लीज जाओ, हां प्लीज। मां की गली से पट्टे मारूं, कब से पुकार रहा हूं, इतनी देर से आता, बच्चे मार मार के चंबू कर दिए मेरी। चल अब मैं बोलूं तो सुने तुम, कब बोले जब तुम्हारी सही करते थे। चुप बैठो यहाँ पे। दबा के पड़ गई क्या तुम्हारी? मैं पहले बोला तुम्हारे को नक्को नक्को बोले तो सुनना, इसलिए बोलते कभी कभी छोटे बोले तो बड़े भी सुनना। मैं बड़ा हूँ बोल के खुशे तो ऐसी धैं बड़े मिलते। तुम सुकून से बैठो, अब मैं प्लानिंग डालता हूँ भागने की, थोड़ा टाइम हो दो। आ जाएंगे क्या रे, इतनी देर कर रहा, दो सेकंड का काम है ये। अब देख मैं कैसा आता हूँ। यबा कूदो जी। अरे अरे यबा मेरे को नहीं आ रहा रे, डर हो रहा। अरे यबा घर के आगे जीत है जी, कूदो तुम कूदो। गिर के मुंह फुटा तो मालूम होता किसके आगे जीत है। सो शेट्टी काका आ रहा मैडम। आइले आ गई हिम्मत वाला की श्रीदेवी। यावा जल्दी कूद, नहीं तो गया काम से। तू क्या कर रहा है इधर? कुछ नहीं मैडम, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम का मजा ले रहा हूँ मैं। क्या ठंडा दिख रहा झाड़, ये देखो। तेरा खान किधर है? अंदर सो रहा, नहीं देखे आप? अच्छा, इतनी रात को बाहर कहीं जा रहे? वहाँ कोई नहीं है, कहीं जा रहे आप? वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। मैडम आप एक बात सुनो, सुन लिया मेरा मतलब, सुन लिए। अरे किन यहाँ है? अरे मैं अंदर सो रहा समझा इसको। अरे मैडम आप है क्या रे, घर में 10 चॉकलेट कम पड़े थे क्या? वो सब छोड़ के तू यहाँ पे काई को आके कर रहा रे? नहीं मैडम, मेरे खुले में करने की आदत है, ताजी ताजी हवा में। चल रे अंदर चल, चल जान दो बच्चा है, माफ कर दो। चलो मियाँ अंदर चलो, चलो पेशाब कर रहे बाहर आ तो मैं मारूंगा। अल्लाह बच गए रे, बच गए, इतना अच्छा मौका गवा दिए, कुछ नहीं। चलो चुप। अच्छा बच्चू मेरे से होशियारी। Hi Pinky. Hi. कैसी हो? मैं बस ठीक। Oh, sounds good. तुम तो मुझे भूल ही गई यार। अच्छा, तू क्या कर रही है? बस ऐसे ही शॉपिंग को जा रही थी। चलो तू भी साथ में, बहुत दिन हो गए शॉपिंग को साथ में नहीं जाके। नहीं रे, आज थोड़ा बिजी हूँ मैं, आज नहीं आ सकती। अच्छा, मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया है तुझे? नहीं रे, आज डेट पे जाना है मेरे को। डेट पे? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। ओके चल ठीक है, बाय। डेट? अगर मैं भी इसे कहीं लेके जाऊं तो? खान? हा? चलो जरा बाहर जाना है।
इधर काम आए मैडम घर में, तो काम वाम बाद में देखो, अर्जेंट जाना है, चलो। इन्हें मेरे कैसे बुला रही, या अल्लाह तू ही बचा ले। खान आए मैडम। कहाँ जा रही हो? मैं भैया पिंकी की बर्थडे पार्टी है ना, वहीं पे जा रही हूँ। सिक्योरिटी ये है ना, वो बदमाश के साथ इसको कोई 1000 रुपए दिए तो वो 1000 रुपए लेके तेरे को छोड़ के भाग जाता है, इसके ऊपर भरोसा कर रही हो? ए, जा रहे। यस सर। हाँ बोल रहे शंकर। हाँ अरे नहीं सुना तो उड़ा दे रहे इसको। रुको तुम लोग यहीं पे ठहरो। काई को मैडम? अगर तुम लोगों को अंदर लेकर गई तो मेरी भी इज्जत निकल जाती। तू चल साथ। हमेशा आप लोग जाते ना साथ में, फिर मैडम अपने को ऐसा कहीं बोले? देवरा बदल गए रे, देख रहा हूँ। मैडम बर्थडे पार्टी में जाना है बोले ना? बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं, बाहर घूमने चलो। नहीं मैडम, आपके भैया देख ले तो प्रॉब्लम हो जाती फिर। देख खान, बचपन में मेरी माँ गुजरने के बाद मुझे कभी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इनफैक्ट जब से मैंने होश संभाला है तब से बॉडीगार्ड मेरे साथ में ही है। आज पहली बार मुझे मौका मिला है बाहर निकलने का, प्लीज मना मत कर। वैसे मेरी माँ का बर्थडे भी है आज। मैं सोची थी आज तो हम कम से कम बाहर जाएंगे। कौन सी गाड़ी में जाएंगे? तू चोरी करेगा? नहीं तो फिर ये देखो मास्टर किस। चलो
ऐसा ही दिख रहा। प्रपोज कर तू क्या? अरे वो मैडम ही है ना। मैडम मैडम मिल गया। देख आओ मिल गया। देख ये कहां से तो भी आ गए। कहां चले गए थे मैडम? सुबह से हम लोग परेशान हो रहे आपको ढूंढते ढूंढते। भैया भी परेशान होंगे, चले जाएंगे। अहिले आज अकेला दिख रहा है। तेरे हाथों में कुछ ना कुछ तो कशिश है रे। परसों तू मेरे को फुल टेम कर दिया रे। वो खान था बोल के मैं तेरे को कुछ भी नहीं बोला। आज तू अकेला है ना रे, तो आजा मेरे रूम में, फुल एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? मैं क्या चाह रहा हूं तू समझ रहा ना? नहा दो के जल्दी से तैयार होके इतर उतर लगा के आ जा, मैं तेरा रूम में इंतजार कर रहा हूं। खान पिछले जन्म में कुत्ता था क्या? क्या मेरा मतलब है, क्यों हम इस रोमांटिक एटमॉस्फेयर को ऐसी वैसी बातों से डिस्टर्ब करें? टी शर्ट उतारते क्या? पलंग पे लेटते क्या? साले बर्दाश्त कर रहे बोल के चांस पे डांस कर रहा तू? या भाई मेरे वो मेरे उस्ताद और भाई से बढ़ के है। हम दोनों एक माँ की कोख से जन्म ने लिए होंगे, पर हम दो जिस्म एक जान है। हम एक जान। दो जिस्म एक जान, ये डायलॉग बोल के तू मेरे को सेंटिमेंट कर दिया रे। आज के बाद जिंदगी में तेरे को जो होना वो मैं दूंगा, सिवाय ये जान के। कहीं को बोले तो ये जान मैं अपनी जोहरा जान के लिए उठा के रखू। तुम लोगों का नाम अब मैडम को बोलता। बोल ले रे जा के। खान बोलते मेरे को खान। चलो याबा। मैडम वो दो चोरा है ना जिसको अपन पकड़ के लाए, वो दो बदमाश आपको धोखा देके भाग रहे थे। मैं पकड़ के लाया उनको, आपके पास पेश करके बोलेंगे। अब मैं क्या करूं मैडम? ठीक है, बुलाओ वो खान को। क्या बात है मियाँ, शेट्टी को तो जबरदस्त सबक सिखाए अपन। क्या फिर नहीं तो आओ आओ बल्कि रूम में हरकतें पार कर दे रहा, वो भी मेरे आवाज़ से। साले की तो सब बोल दिया तुम लोगों के बारे में मैडम को। मैं तेरे को मैडम बुला रहे, चल। क्या करता है? क्या जाने दू या बाप, बर्दाश्त के बाहर हो गया। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे को? अब उन लोगों तो भी रहना नहीं तो अपन तो भी रहना। आज आर या पार, चल रहे। अरे खान अब लड़ नको से, मैं यहाँ बैठा हूँ तेरे इंतजार में। क्या करता कि कहेगी जाके समझ में नहीं आ रहा।
पूछिए मैडम, क्या पूछना है? पूछना पूछना कुछ नहीं है। हाँ? दरवाजा के कुछ लगा रही है? हाँ? मगर मेरे ख्वाब में मैंने कोई कहा था इन्हें कहीं कुछ भी कर दूंगा उसको एक नई सौ मुसीबत आ जाएंगी। बड़े जूते खिलाता जैसा दिख रहा है इन्हें। ऊपर वाले रहम कर। आइए आइए आइए, काफी मेहनत करके आ रहे हैं आप। अब तो आपकी तबीयत भी फ्रेश हो गई होंगी, आंग भी हल्का हो गया होगा। मेरे को एक बात बता, तू वार्निंग दे के आया या लेके आया? देख लिया ना, उसके तेवर कैसे थे सो? देख लिया सरकार, उसके तेवर भी देख लिया और आपके तेवर भी देख लिया। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, अब मेरे को इस बात की 100% संभावना है कि हम दोनों की फुटाई की रसम फिक्स है। पागल है क्या जी? पता है। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हर महीना आप लोग टाइम पे आते थे और आपकी माँ की बर्थडे के दिन भी नहीं आए आप लोग। हाँ मुझे भी याद है डॉक्टर साहब, कल माँ का बर्थडे था सो कुछ काम में फंस गया था इसलिए नहीं आ सका। ठीक है, मैं जल्दी आके मिलूंगा। ओके सर, बाय। कल इसकी भी माँ का बर्थडे था क्या? आप याद करे कहते मेरे को खैरियत? बाजरे को कहाँ जाते और क्या करते तुम लोग? कल ही मनाया मैं बर्थडे जोहरा भाई के साथ 20 अक्टूबर को। सीधी बात पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दे। कौन सा बर्थडे, कहाँ का बर्थडे, कहीं का बर्थडे, मेरे को कुछ नहीं मालूम। ऐसा रुक। अरे आप इसकी तकलीफ क्यों कर रहे, मैं आपको सब बोलता हूँ, ठहरो एक मिनट। दरअसल खान जब 7 साल का था तो उसके बाप का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और उसके गम में उसकी माँ पागल हो गई। जब से वो मेंटल हॉस्पिटल को जाता, खान जब छोटा था तो उसको हॉस्पिटल में जाने नहीं देते थे। कुछ साल बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया और फिर खान को अनाथ आश्रम में जगह मिल गई। खान अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ इसीलिए वो हर महीना अनाथ आश्रम को पैसे देता और मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग के रिश्तेदार मिलने नहीं आते तो खान उनसे मिलने जाता था। कलीच उसकी अम्मा का बर्थडे था मगर हम नहीं जा सके, फंसे हुए हैं आपके राज में। खान इधर आओ। अब क्या तभी कम पड़ा क्या? क्या मैडम? चल मेरे साथ। मैडम कहाँ तो भी लेके जा रहे हैं मैडम? चलो ना। खान तू इतना भी छोटा नहीं है जो हर चीज तुझे मैं डिटेल में समझाऊं। इन 3 दिनों से मैं तेरे करीब आ रही हूँ और मैं अपनी हर खुशी तेरे साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आगे भी जिंदगी भर तुझसे शेयर करना चाहती हूँ।
मेरा दिल बोलता है तू भी मुझे चाहता है पर तू सामने नहीं आ रहा है। मैं लड़की होने के बावजूद भी तेरे सामने आ रही हूँ और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि आई लव यू। मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, भैया भाभी को कुछ नहीं बताना। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप। दिल बोल रहा आपको गोद में उठा लो, मेरा मतलब खुशी से। मैं अभी एनियस खान को देता हूँ। खान, ब्रेकिंग न्यूज, कल सुबह हम दोनों को आजाद किया जा रहा है, क्या तू खुश है? हा? Anyways, जोहरा भाई, हियर आई कम्स। Girlfriends and meet me at the hotel room. Get a bachelor boyfriend and meet me at the. Are Khan? Are in the end time pe kahan chalega bhai? Are Khan? रुको जी, फिर उन लोगों को बजाएंगे अपन। अरे अच्छा है, चल जान दे, छोड़ उन्हें, झांसी जानी है, संभाल लेती हूँ उन्हें, अपन कहीं के बीच में जाके फोड़ा देगा। चल, अरे चल भाग ले, चल। तेरा भाई साले, अब तो तेरा रेप कंफर्म है।
को मारता रे मेरे तू याबा को मारता तू तेरे तेरे याबा को मारने के लिए पैसे दिए थे मेरे पैसे लेके मारता मेरे याबा को तू अगर मुझे बचाना ही था तो छोड़ के भागो क्यों देख रहे नहीं कितना बड़ा सांड था उन्हें उसको मारने के लिए हाथों की नहीं रॉड की जरूरत थी रॉड लाने गया था मैं I love you. अरे लपक ले चांस मिस को कर दीवाने हाँ आई लव यू टू ये बात सुनने के लिए मैं कब से वेट कर रही थी देख तेरा लेवल अलग है मेरा लेवल अलग है तू ठहरे बड़े घर की और मैं ठहरा एक मामूली चोर क्यों तेरा भाई अपन दोनों के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसीलिए मैं प्रपोज नहीं कर अरे उससे क्या डर रहे वो हौले से मेरे को बोलना था मैं बात करता था ये बात के लिए परेशान हो रहा है तू मेरे भैया को नहीं जानता है मेरा भैया आज तक मेरी कोई बात टाला नहीं है मैं भैया से बात करती हूँ तू चल गाड़ी निकाल रहे इससे को फोन कर स्पॉट पे आओ बोल जल्दी जी सर भैया अगर आज वो नहीं रहता तो तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी नहीं रहती और वो 1000 रुपए लेके भागने वाला इंसान नहीं है एक और एक बात आपको बोलना था मैं खान से बहुत प्यार करती हूँ भैया और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है पर आपकी स्टेटस को देख के उसने मुझे ना बोल दिया यहाँ तक कि उसने मुझे छोड़ के जाने का फैसला कर लिया था भैया मैं खान से शादी करना चाहती हूँ और मेरे को ऐसे ही इंसान की ज़रूरत थी मेरी बहन जो बोल रही है वो सही बोल रही है हाँ सही है मैं भी उससे प्यार करता हूँ मेरी बहन शादी करना चाहती है उससे ज्यादा खुशी के बाद कुछ नहीं है अगर तेरे जैसा लड़का हमारे साथ रहा तो मेरे को कुछ भी टेंशन नहीं है हाँ हक कर चलो अंदर चल के बात करते हैं अंदर चलो रे चलो बैठिए मेरे से मालिश करा मसाज करा शेविंग करा अरे इधर इधर आ रे उधर चल चल पुलिस स्टेशन में मेरे पेट में मारा था ना तू ये शादी नहीं हो सकती मैं बोल रहा हूँ ये शादी नहीं हो सकती नहीं हो सकती नहीं हो सकती इतना था जब से पाल रहा हूँ तेरे को ऐसा कैसा कर लेता नहीं करता हूँ तेरी शादी अरे कोई ठंडा पिलाओ रे इसको ठंडा पिलाओ गरम पिलाओ शादी नहीं हो सकती बोला नहीं हो सकती ये शादी बस यावा तू चुप बैठ तू बीच में नहीं बोलना खामोश बैठ ये काम मेरा है मेरे को करने दे नहीं होंगी ये शादी मेरी गाड़ी की चाबी ले लो हाँ पुरानी गाड़ी नई गाड़ी दिया तो भी नहीं करता हूँ गंदे रे शादी मुबारक हो सब ओके ना क्या साहब तुम लोग हैदराबाद के फिल्मों में भी लेट आते हेलो किसका फोन आया इसको हाँ बोलिए जी मैडम हाँ पता है मैडम और बच्चे कैसे हैं मैडम वहाँ पे बाय मैं अभी आके मिल रहा हूँ मैडम अभी थोड़ी देर में आऊँगा याबा आ रहा क्या भाई काले जा रहा मेरे को वो अनाथ आश्रम से फोन आया था जाके आएंगे चलो 2-3 महीने से पैसे भी नहीं दिए रे अपन मगर अब जाके फायदा क्या है अपने हाथ में पैसे भी नहीं है पैसे तो नहीं है अपन की जरा मिलने के आएंगे चलो खान
सुनो कहाँ जा रहे हो आप? अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, चलो याबा। सॉरी मैडम, आपको लास्ट मंथ भी पैसे नहीं भेजे क्या? और इस महीने भी थोड़ा लेट हो गया। क्या खान सॉरी बोल रहे हैं आप, हर महीना तो पैसे भेज रहे हैं ना, अभी ला के दिए मेरे को। अभी अभी ला के दिए पैसे? याबा अपन तो नहीं भेजे ना पैसे आश्रम को। क्या खान हर महीना आप लोगों के नाम पे डिपॉजिट हो रहा है ना पैसे? कौन है भाई वो अल्लाह का बंदा जो हमारे नाम से डिपॉजिट कर रहा? जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो सब तेरा है, ठीक है? तू मुझसे वादा कर कि कभी तू ये छोरी चकारी नहीं करेगा, कर वादा। करना खान। थैंक यू मदर टेरेसा, आप घर को जाइए, मेरे को खान से जरा पर्सनल काम है। हम शाम में घर को। अच्छा ले गई उन्हें, अब तू मेरे साथ चल चल। और क्या साहब, आप तो बड़े आदमी हो गए, वो भी शॉर्टकट में। अब तो साले के पूरे प्रॉपर्टी है तुम्हारे, और वो मैडम दीपिका पादुकोणी से बड़े बड़े वादे कर लिए आप। दोरा मनम मनम ओकटे, अपन वादा करते निभा दे क्या? अपन चोर थे, चोर है, चोर रहेंगे। चलो चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अरिया जरा पेशाब आ रहा, पेशाब करके आ। अरे इतना अच्छा गाना चल रहा था आइन टाइम पे, बहुत देर से रोक के रखो। ठीक है जा क्या। अरे खान जल्दी आ। क्या हुआ साहब, आया क्या? आ रहा अभी। अरे अरे कहीं बम तो नहीं होगा? बम बम यहाँ कहीं को लगाते भाई, अपन क्या सीएम या पीएम है बम लगाने के वास्ते? मुझे याबा पैसे है इसमें, वो बैंक की चोरी। पांच करोड़ देखो देखो, वो इंच पांच करोड़ ये। इतने पैसे पैसे क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेढ़ करोड़ तुम्हारे अकाउंट में, डेढ़ करोड़ मेरे अकाउंट में, दो करोड़ अनाथ आश्रम के अकाउंट में। यस अब जाएंगे बैंक को। याबा अब तू जल्दी से शादी कर ले और मेरे को चाचा बना दे। चाचा चल देर हो रही, चल भागो। और हमारे गुल्लू भाई का मानना ये है, अच्छे काम करे तो अच्छा ही होगा बाबू, ऊपर वाला सब देख रहा है। पे शोर होगा, बात होगी बस हमारी 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 हमारी। हम दोनों साथ मिलके लूट लेंगे दुनिया सारी, हर जगह पे शोर होगा, बात होगी बस हमारी। काट लेंगे उसकी जेब जो लगेंगी हमको भारी, हम है बदमाश पुट्टे, हमने दुनिया की है मारी।
दोनों साथ मिलके लूट लेंगे दुनिया सारी। हर जगह पे शोर होगा, बात होगी बस हमारी।